हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूं। एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप में से किसी का कमेंट आया था कि नकीबुल्ला मसूद करके कोई इनको मार दिया गया, उनके बारे में मैं एक वीडियो देखूं, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे इसमें, शायद उनके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि नकीबुल्ला कौन है। देखने में काफ़ी सही बंदा लग रहा है, तो इनको क्यों मारा, किस लिए मारा, वो आप भी बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। नाजरीन, नकीबुल्ला मसूद कौन था और उसे क्यों जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया और उसका साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी से क्या ताल्लुक था? आया नकीबुल्ला मसूद का ताल्लुक कलदम तहरीके तालिबान से था। क्या नकीबुल्ला मसूद मुल्क अमन दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? नाजरीन, शान अली टीवी में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में नकीबुल्ला मसूद के बारे में 10 हैरत अंगेज हकायक आपको जानने को मिलेंगे, लेकिन वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, नासिर नकीबुल्ला मसूद 1990 को जनूबी वजीरिस्तान के सब डिविजन मकीन में पैदा हुआ। नकीबुल्ला मसूद का ताल्लुक पश्तून कबीले अब्दुल्ला मसूद से था। नकीबुल्ला मसूद का सलाम नसीमुल्ला और निक नेम वीर था। फैक्ट नंबर 2, नासरीन, पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन राह निजात के बाद 2009 को नकीबुल्ला मसूद अपने खानदान के साथ कराची आ गया और बतौर मजदूर काम करना शुरू कर दिया। नकीबुल्ला मसूद मेहनत मजदूरी करके सोराब गोट में अपने कपड़े का कारोबार शुरू करना चाहता था कि इसी दौरान उसे 3 जनवरी 2018 को नकीबुल्ला मसूद और उसके दो दोस्तों हजरत अली और मोहम्मद कासिम को SSP मलीर राव अनवार के आदमियों ने सादा कपड़ों में मलबूस होकर गुलशेर आगा के होटल से अगवा कर लिया। फैक्ट नंबर 3, नाजरीन, 6 जनवरी को नकीबुल्ला मसूद के दो दोस्तों को छोड़ दिया गया, लेकिन नकीबुल्ला मसूद को अपनी तहवील में रखा गया और उसके ऊपर काफी तशद्दुद किया गया और फिर 13 जनवरी 2018 को एक झूठे एनकाउंटर में उसे मार दिया गया। नाजरीन, नकीबुल्ला और उसके साथ 3 आदमी मोहम्मद साबिर, इसहाक और नजर जान मसूद को भी इस फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। फैक्ट नंबर 4, नाजरीन, 17 जनवरी 2018 को चीपा वेलफेयर एसोसिएशन ने नकीबुल्ला मसूद की डेड बॉडी को उनके रिश्तेदारों के हवाले किया। 18 जनवरी को उनके रिश्तेदारों ने इनका नमाज़े जनाजा अदा किया और उसी दिन नकीबुल्ला मसूद को उनके आबाई घर मकीन में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नाजरीन, पूरे मुल्क में इस फेक इनकाउंटर के बारे में जगह जगह एहतजाज हुए। SSP मलीर राव अनवार का कहना था कि नकीबुल्ला मसूद का दहशतगर्द तंजीमों तहरीके तालिबान और दाइश से ताल्लुक था। फैक्ट नंबर 5, नाजरीन, नकीबुल्ला मसूद के जेरे कफालत उनकी अहलिया, दो बेटियां और एक बेटा था। 24 जनवरी 2019 को पाकिस्तानी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने नकीबुल्ला मसूद और बाकी 3 अफराद को बेगुनाह करार दिया और SSP मलीर राव अनवार के इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर करार दिया। नासिर नकीबुल्ला मसूद जैसे नौजवान के बेबुनियाद कत्ल होने पर मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गए और लोगों का यही मुतालबा था कि नकीबुल्ला को इंसाफ दिलाया जाए जबकि SSP मलीर राव अनवार को फांसी पर लटकाया जाए। नासरीन, पर अफसोस की बात तो ये है कि अभी तक राव अनवार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। क्या पाकिस्तान की अदालतें इतनी कमजोर है? फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, अब बात करते हैं नकीबुल्ला मसूद और आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी के ताल्लुक के बारे में कि आया नकीबुल्ला का बख्तावर भुट्टो से ताल्लुक था या नहीं, क्या नकीबुल्ला को बख्तावर भुट्टो की वजह से कत्ल किया गया। तो चलिए आज इस बात से भी पर्दा उठा लेते हैं। नासरीन, अब ये तो खुदा ही जानता है कि नकीबुल्ला और बख्तावर भुट्टो जरदारी के दरमियान कुछ था या नहीं, लेकिन अमरीकी ब्लॉगर संतिया डीरीची के मुताबिक मरहूम नकीबुल्ला और जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी के दरमियान मुबैना ताल्लुकात थे। बख्तावर भुट्टो और नकीबुल्ला मुलाकातें किया करते थे। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी ब्लॉगर संतिया डीरीची ने दावा किया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी साहबजादी और राव अनवार के हाथों मारे जाने वाला शख्स नकीबुल्ला मसूद के माबेन मोहब्बत थी और दोनों आपस में खुफिया मुलाकातें किया करते थे। नासरीन, इस खबर पर पाकिस्तान में सियाहत के लिए आने वाली व्लॉगर संतिया डीरीची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। फैक्ट नंबर 7, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानात सामने आए और उनका कहना था कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा।
इससे पहले बेनजीर भुट्टो को भी इसी तरह के इल्जामात का सामना करना पड़ा था, लेकिन हम उनकी बेटियों को इसका निशाना हरगिज बनने नहीं देंगे। इसके जवाब में संतिया डी रिची का कहना था कि गाली देने का शुक्रिया, लेकिन मैं वो पहली खातून नहीं जिसने ये बात की और मैं बख्तावर की शोहरत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। फैक्ट नंबर 8। नाज़रीन, इसके जवाब में मारूफ एंकर जमील फारूकी का कहना था कि 2 साल कबल मैंने ये स्टोरी लिखी थी, मेरे कलम ने बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया था मगर ना हिल सका तो सिर्फ रावनवार। मजीद कहना था कि अमरीकी ब्लॉगर ने जो कुछ कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि 2018 में एक कॉलम में एंकर जमील फारूकी का कहना था कि नकीबुल्ला मसूद के सिंध की मारूफ शख्सियत की बेटी से ताल्लुकात थे और जिसकी वजह से पुलिस को उसे कत्ल करने का हुक्म दिया गया। फैक्ट नंबर 9। उन्होंने दावा किया कि मॉडल जैसा दिखने वाला नकीबुल्ला एक अहम सियासी रहनुमा की बेटी से इश्क कर बैठा था और जबकि लड़की भी उस पर फिदा थी। नकीबुल्ला और वो लड़की दोनों मॉडलिंग में दिलचस्पी रखते थे। दोनों के माँ बहन एक खुफिया मीटिंग भी हुई थी जिसमें कहा गया था कि वो दोनों शादी कर लेंगे। इस हवाले से नकीबुल्ला का कहना था कि मुझे डर लग रहा है, एक डर तो मुझे अपनी बीवी बच्चों की तरफ से लग रहा है और दूसरा तुम्हारी फैमिली की तरफ से। फैक्ट नंबर 10। उन्होंने मजीद लिखा कि लड़की की हर कॉल रिकॉर्ड हो रही थी जिसमें लड़की के अमीर बाप ने, जो कि सिंध सियासी जमात का ओहदेदार भी है, उसने इस मामले से बचने के लिए मुख्तलिफ थाने के SHO से राबता किया और नकीबुल्ला मसूद को कत्ल करने का कहा। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें। जो भी मसूद थे, नकीबुल्ला मसूद, मसूद कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक पश्तून लड़का था, बहुत आम सा था। मुझे लगा यार कोई बहुत बड़ा हस्ती होगी, बहुत बड़ी हस्ती होगी जिसके बारे में इतना कुछ चला है इंटरनेट पर, लेकिन हाँ, चलना ज़रूरी भी था क्योंकि उसको बाद में साबित हुआ कि वो बेवजह मार दिया गया, उसको फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। तो इसके पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, जैसा इस वीडियो में बताया गया कि वो लव एंगल भी एक इसको देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, मतलब क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ऐसा भी हो सकता है कि वो भुट्टो फैमिली की लड़की से उनका अफेयर हो और हो सकता है कि ऐसा कुछ सच में हो तो इसी वजह से मारा हो, क्योंकि बाकी इनका कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा। इधर उधर वाली आलतू फालतू जो इल्ज़ाम लगकर इनको मारा गया था, जैसा कि हमने देखा इसमें कि आम सा लड़का, कुछ मेहनत मजदूरी करता हुआ लड़का, अपने बिजनेस को कपड़े की उसमें बिजनेस में जाना चाहता था, उसको बढ़ाना चाहता था, तभी उसकी डेथ हो गई। मतलब 18 में डेथ हुई है, अभी फैमिली थी, बच्चे थे। सो अच्छा खासा मतलब दिखने वाला, मेहनत मजदूर करने वाला लग नहीं रहा था। मुझे पता नहीं कहाँ से मैंने एक आध वीडियो देखी कि उसके गाने वाने भी हैं या फिर कोई और नकीबुल्ला होगा जिसके जो सिंगर होगा, तो ये वो नहीं थे, लेकिन जो भी थे, एक हैंडसम सा दिखने वाला पश्तून लड़का, पठान लड़का, तो उसको ऐसे ही मार दिया गया। मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है, बड़ी फैमिली की लड़की या लड़का फिदा होगा तो आपको भी वहाँ पर ख़तरा हो सकता है। अगर ये सब कुछ सच है तो वो रिकॉर्डिंग्स कहाँ गई जो लड़की की हो रही थी। बाकी आप बताओ क्या लगता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।